हेलो गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग यूट्यूब पर इतने सारे उल्टे सीधे ट्रेंड क्यों ला रहे हैं। मैं कल यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा था, तो वीडियोस देखते देखते मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोस आई जिसको देखकर मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया, और ये सब वीडियोस देखकर मैं थोड़ा सोचने लगा कि आखिर ये लोग इस तरह की उल्टी सीधी वीडियोस बना क्यों रहे हैं। और अगर आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा या आप लोगों को पता होगा कि आजकल यूट्यूब पर एक और नया ट्रेंड चला है आइस ईटिंग ASMR का, जिसमें हो ये रहा है कि ये लोग अपने पास बहुत सारी बर्फ रख रहे हैं और उसको फिर चबा रहे हैं, उसको खा रहे हैं। ये वीडियोस देखकर आप लोगों के मन में बस यही ख्याल आता होगा कि क्या ये सब सही है, क्या इतनी सारी बर्फ हमें खानी चाहिए, क्या इससे हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और ये लोग इतनी सारी बर्फ क्यों खा रहे हैं। ये सब सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि क्या हमें बर्फ खानी चाहिए और ये लोग इतनी सारी बर्फ क्यों खा रहे हैं, क्या इससे हमें कोई प्रॉब्लम होती है। ये सब आपको इस वीडियो में पता लगने वाला, तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोज लाता रहता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस तरह की वीडियोज इंडिया में कोई भी नहीं बना रहा है, ये वीडियोज फॉरेनर्स बना रहे हैं। जितनी मैंने रिसर्च की है उतने मैंने यही देखा कि जितनी वीडियोज बनी है वो जो ये फॉरेनर्स है ये बना रहे हैं। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है जब इंडिया में भी लोग इस तरह की वीडियोस देखकर वीडियोस बनाने लग जाएंगे और ये सब खाने लग जाएंगे। और अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सब तो पानी है और पानी से तो हमें कुछ नहीं होता है, पानी से तो हमें फ़ायदा होता है। तो मैं आपको बता दूं, आप सही सोच रहे हैं, पानी पीने से हमें फ़ायदा होता है, लेकिन ये जो पानी होता है, जो बर्फ़ का पानी होता है, ये ठंडा होता है, तो ये बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। ये क्या प्रॉब्लम कर सकता है वो आपको मैं आगे बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये लोग ये सब वीडियोस क्यों बना रहे हैं और इतनी सारी बर्फ़ आखिर खा क्यों रहे हैं। इतनी सारी बर्फ़ खाने का हमें मन क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को पीका की बीमारी होती है उन लोगों को इस तरह की चीज़ें खाने का मन करता है जो चीज़ें हमारे खाने के लिए नहीं होती। जैसे आपने देखे होंगे कुछ लोग स्लेट पेंसिल, क्लिपबोर्ड, नाकमट, मिट्टी, पत्थर और ईंट, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, वैसे ही ये बर्फ़ खाना भी पीका की बीमारी में आता है। और पीका की बीमारी हमें क्यों होती है, तो मैं आपको बता दूँ, जब हमारे शरीर में आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तब हमें पीका की बीमारी होती है। तो इस बीमारी में होता ये है कि हमें वो चीज़ें खाने का मन करता है जो चीज़ें हमारे खाने के लिए नहीं होती है। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग स्लेट पेंसिल, क्ले पॉट, पत्थर, ईंट, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, और जो ये बर्फ़ खाना है ये भी पीका की बीमारी में भी आता है। तो इसीलिए कुछ लोगों को बर्फ़ खाने की भी क्रेविंग होती है और वो लोग बर्फ़ खाने लग जाते हैं और इसी चक्कर में वो बहुत सारी बर्फ़ खाते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या हमें इतनी सारी बर्फ़ खानी चाहिए, क्या हमारे शरीर में इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या ये खाना हमारे लिए ठीक है या नहीं, ये सब सवाल अब आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बर्फ़ खाना हमारे लिए ठीक नहीं होता है। अगर आप थोड़ी सी बर्फ़ खाते हो, अगर गर्मियों में खाते हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको पता है कि हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसमें हमारी पूरी बॉडी काम करती है। हमारा डाइजेशन भी हमारी बॉडी के टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है और हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी हमारी बॉडी के टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। इसीलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए जिसमें हमारी बॉडी पूरा काम करती है। ये टेम्परेचर ना ज़्यादा होना चाहिए ना ही ये कम होना चाहिए। इसीलिए जब आप बहुत सारी बर्फ़ खाते हो तो आपको पता है कि बर्फ़ तो ठंडी होती है, जब आप उसको चबाते हो तो वो हमारी दांत की नीचे जो नसें होती है वो उसको छेड़ती है, जिससे हमारे दांतों में सेंसेशन पैदा होती है। अगर आपको नहीं पता कि सेंसेशन कैसी होती है, तो आपको याद होगा कि कभी ज़्यादा मीठा खाने से या ठंडी चीज़ें खाने से या ठंडा पानी पीने से हमारे दांत में थोड़ी अलग से दर्द लगती है, उसको सेंसेशन बोलते हैं, जिसे हम ना ठंडा पानी पी पाते हैं, ना ही मीठा खा पाते हैं और ना ही बर्फ़ खा पाते हैं। तो इससे ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है अगर आप ज़्यादा बर्फ़ खाते हो, तो ये आपके दांतों में इतनी तेज़ सेंसेशन कर सकता है कि जिससे आपका खाना खाना ही मुश्किल हो जाएगा, आपको दांतों में दर्द शुरू हो जाएगा और जिससे आप खाना भी नहीं खा पाओगे। तो ये इससे होता है। और इसके बाद जब ये आपकी नलियों से जाता है तो आपकी ये नलियाँ ठंडी कर देता है, आपकी नलियाँ जाम कर देता है, जिससे
आपकी जो अंदर का सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं कर पाता। और ये जब इतनी सारी बर्फ या ठंडा पानी आपके पेट में जाता है तो सबसे पहले ये टेम्परेचर डाउन कर देता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल ही गिरा देता है, जिससे आपको डाइजेशन प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको अच्छा डाइजेशन चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो, तो आपका टेम्परेचर थोड़ा हाई होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर के थोड़ा हाई होना चाहिए। तो इसीलिए जब ये आपके पेट में जाता है तो ये टेम्परेचर बिल्कुल ही गिरा देता है और आपका पेट ठंडा कर देता है, जिससे आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। और जब आपका पेट बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है तो हमारा ब्रेन एक सिग्नल भेजता है, जिससे हमारा पेट जो कि अमाशय होता है वो एसिड रिलीज करने लग जाता है, जिससे आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिड भर जाता है और इससे आपको एसिडिटी भी होती है। आपको अगर ध्यान होगा कि जब आप ठंडे में रहते हो तो आपको एसिडिटी होने लगती है, तो एसिडिटी भी इससे होती है और इससे आपको एसिडिटी होने लग जाती है और बाद में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है और आपको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम आ जाती है और इससे हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही वीक हो जाता है। आपको पता ही होगा कि इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में रोगों के लड़ने के लिए होता है, लेकिन जब आप ठंडा पानी पीते हो या आपकी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल ही डाउन हो जाता है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिससे आपको जुखाम बुखार इस तरह की चीज़ें होने लगती है। और आपको याद होगा कि कोरोना के टाइम में डॉक्टर बस यही बोलते रहते थे कि ज़्यादा पानी पीना है और हल्का सा गर्म पानी पीना है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। और जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो वो वायरस से आसानी से लड़ पाएगा और जिससे वो वायरस को ख़त्म कर देगा और जिससे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी उस वायरस से। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना से कैसे लोगों की हालत ख़राब हो रही थी और बहुत से लोगों की मौत इसीलिए हुई क्योंकि उन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक था, इसीलिए वो लोग कोरोना को मार नहीं पाए और उनकी मौत होगी वीक इम्यून सिस्टम की वजह से। तो इसीलिए हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। तो जब आप ठंडा पानी पीते हो या इतनी सारी बर्फ खाने लग जाते हो या खाते हो तो आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही वीक हो जाता है, जिससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। और इतनी सारी बर्फ़ खाने से आपके जो किडनी है वहाँ पर प्रेशर पड़ता है, आपको पता है कि इतना सारा पानी अंदर हो जाता है तो आपकी किडनी पर प्रेशर पड़ता है, जिससे आपकी किडनी डैमेज होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है और आप लोगों की किडनी भी डैमेज हो सकती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए और जितनी ज़रूरत है उससे कम भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हमें बर्फ़ खानी चाहिए या नहीं, तो मैं आपको बता दूँ एक लिमिट अमाउंट पर बर्फ़ खाने से आपको कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप थोड़ी सी बर्फ़ खाओगे जैसे कि आइसक्रीम होती है उतनी बर्फ़ खाओगे तो आपकी बॉडी में वो चले जाएगा, पहले वो टेम्परेचर डाउन करेगा लेकिन उसके बाद आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी बर्फ़ से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी तो उससे तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन खाना गर्मियों में, क्योंकि सर्दी में आपको पता है कि पहले ही हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है और हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरा होता है सर्दियों में, तो सर्दियों में ये थोड़ी सी बर्फ़ भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। तो इतनी सारी जो ये बर्फ़ खाते हैं इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आपको ये बर्फ़ नहीं खानी है। और आप लोगों को शायद बर्फ़ देकर क्रेविंग्स नहीं होती है, अगर आपको क्रेविंग्स होती है तो समझ लो कि आपको पीकर की बीमारी हो सकती है, तो इसका आप डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवा सकते हो। और जब आप इलाज कराओगे तो ये सब आपको क्रेविंग भी नहीं होगी। और जो लोग ये सब वीडियोस देखकर कॉपी करने की सोच रहे हैं तो मैं आपसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इसको कॉपी मत करो, क्योंकि ये ट्रेंड अभी इंडिया में तो नहीं है लेकिन ये बहुत जल्दी आ सकता है और ये आपके लिए ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझो। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ आया होगा और आप लोग ये सब वीडियोस देखने से पहले या ये सब खाने से पहले 100 बार सोचो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करके रख दो और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ और भी लाता रहूँगा। जैसी वीडियोज़ आप बोलते हो वैसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा और आपको बहुत ज़्यादा काम की वीडियोज़ और बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली वीडियोज़ भी मैं लाता रहता हूँ। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख दो और नीचे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि क्या मुझे इस पर और वीडियोस लानी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने उतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी लेकिन जितना मुझे पता था मैंने आपको उतना ही समझाया है।
और उतना ही बताया। तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या इंडिया में भी ये सब वीडियोज़ बनाने लगे हैं, आई चीटिंग ASMR की वीडियोज़ बनाने लगे, तो आप नीचे ज़रूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दो वीडियोज़ आ रही होगी, आप किसी एक वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो और कुछ और जान सकते हो।